जनता की सेवा के लिए कर रहे थे और अपने जीवन के आखिरी पल तक उन्होंने जनता की सेवा की और जनता के प्रति वो समर्पित रहे। आज जो राजनीति आप देख रहे हैं देश में, जिस तरह की सरकार पिछले 5 सालों में चली है, आपने खुद समझा होगा क्योंकि आप में बहुत विवेक है और मैं समझती हूँ कि जनता से समझदार, जनता से ज्यादा विवेक किसी में नहीं है। तो आपने खुद देखा होगा कि जो 5 सालों से जो सरकार चली है उनकी नीतियां भी खराब है और उनकी नीयत भी खराब है। कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पेशल स्टेटस जो आपको मिला था, सरकार में आते ही उन्होंने पहले वो हटाया। यहाँ सिलचर में एक ट्रेड का हब बनने जा रहा था। हमारी जो यूपीए की लुक ईस्ट की पॉलिसी थी, उसके जरिए यहाँ से सिलचर से ही बाकी देशों में और भारत देश के बीच में जो ट्रेड होने जा रहा था उससे आपका बहुत भला होता, उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। यहाँ पे जो आपका पेपर मिल है वो कांग्रेस के समय अच्छा चल रहा था, हजारों रोजगार थे, आज उसकी स्थिति खराब है। आपने चाय के बगान के मजदूरों की जो वेतन है, उनकी जो मजदूरी है, आपने देखा कि पिछले 5 सालों में उनकी मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी। इसका मतलब है कि नीतियां खराब है और नीयत खराब है। आपके सामने तरह तरह के प्रचार होते हैं और इनका प्रचार इतना अच्छा है, आप टीवी चलाते हैं तो आपको दिखते हैं, आप अखबार खोलते हैं आपको दिखते हैं, आप रेलगाड़ी में टिफिन खोलते हैं उस टिफिन पे भी उनका चेहरा है। कल परसों तो मैंने देखा कि जब वोट डालने जा रहे हैं तो उसमें भी जो खाने के डिब्बे हैं वो भी उनके चेहरे के हैं। तमाम जगह वो दिख रहे हैं और हर जगह कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में दौरा कर रही हूँ 2 महीनों से, मैं मजदूरों से मिलती हूँ, किसानों से मिलती हूँ, अध्यापकों से मिलती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, नौजवानों से मिलती हूँ। नौजवान बेरोजगार है, किसान इतना दुखी है, इतना प्रताड़ित है कि पूरी रात उत्तर प्रदेश में बैठता है, पूरी रात अपनी खेत देखने की चौकीदारी करनी पड़ती है क्योंकि खेत पशु खा रहे हैं। दिन में उसकी ये हालत है कि वो बोझ जो कर्ज है उसके बोझ में गिरा हुआ है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। नौजवान हर चौराहे पे हर बाजार में मिलता है, उसकी इसको कोई रोजगार नहीं है। महिलाएं असुरक्षित हैं। आपके यहाँ तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल बिल्कुल नहीं किया गया। तो आप सोचिए, इतना बड़ा प्रचार कि जब मैं वाराणसी गई, जहाँ से प्रधानमंत्री अपना चुनाव लड़ते हैं, जब मैं वाराणसी गई तो मैंने भी सोचा था कि बहुत बड़े काम किए होंगे इन्होंने, बहुत बड़ा विकास होगा। जब मैं वहाँ पहुँची तो हवाई अड्डे से जाकर शहर तक 15 किलोमीटर की बहुत बढ़िया सड़क बनी थी और मुझे बताया गया कि दीदी सिर्फ यही किया है, इसके आगे कुछ नहीं है। मैंने पूछा, किसी गांव में गए हैं, किसी परिवार से मिले हैं? जवाब आया कि 5 सालों में प्रधानमंत्री जी को 5 मिनट का समय नहीं मिला अपने ही क्षेत्र में जाने के लिए। तो कैसी नीयत है और कैसा प्रचार है, अब आप ही सोचिए कि अपने ही क्षेत्र में जाने का समय नहीं मिला लेकिन अमेरिका गए, वहां पे गले लगे। अमेरिका
इसलिए करते हैं क्योंकि इंदिरा जी ने आपके लिए काम किया।